हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राज गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बिल्कुल ही नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं मैथमेटिक्स के, जो शायद ही आपको पता होंगे। दोस्तों, आज के हमारा वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फैक्ट नंबर 5 है दोस्तों, 0 एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसे हम चाहकर भी रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम रोमन न्यूमरल्स में 0 को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और हम 0 के अलावा सभी अंकों को रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 की तरफ। तो हमारा फैक्ट नंबर 4 है दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि 0 से लेकर 1000 तक लेटर ए सिर्फ 1000 में ही अपेयर होगा। जी हाँ दोस्तों, THOUSANDआप हर डिजिट का स्पेलिंग लिख सकते हैं, लेकिन लेटर ए सिर्फ और सिर्फ 1000 में ही आएगा। क्यों है ना ये कमाल का फैक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 के तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 479 एक फैसिनेटिंग नंबर है। अब आप पूछिएगा क्यों। तो अगर हम 479 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 5 आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका रिमाइंडर 5 आएगा। और अगर हम इसी नंबर को डिवाइड करते हैं 5 से, तो इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 4 आएगा। और अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं 4 से, तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गेस किया, इसका रिमाइंडर 3 आएगा। और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। सेम अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नंबर और कोई होगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 के तरफ। क्या आपको पता है कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बाद क्या आता है। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन आता है। जी हाँ दोस्तों, क्वाड्रिलियन। और हम इसे डिनोट कर सकते हैं 10^15 से। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इतना पैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स या जेफ बेजोस में किसी के पास होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि गूगल प्लेक्स क्या है। दरअसल गूगल प्लेक्स एक नंबर है जिसकी संख्या 10^10 और उसका पावर 100 के बराबर है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी क्या खास बात है। आपके दिमाग में यह ख्याल एक बार तो जरूर आया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि गूगल प्लेक्स इतना बड़ा नंबर है कि इसे लिखने के लिए हमारा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा, और हमारी पृथ्वी पे इतने कागज भी नहीं हैं कि हम इस विशाल नंबर को लिख सके। और अगर हम इसे सुपर कंप्यूटर्स पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सुपर कंप्यूटर्स की भी मेमोरी इतनी नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि इससे बड़ा कोई और नंबर हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और नंबर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। कीप वॉचिंग RJ मैथमेटिक्स, बिकॉज हियर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। Goodbye.